हाय ऑल, आज मैं हार्ट का पॉइंट नंबर 4 का फंक्शन समझाने वाला हूँ आप सबको। हार्ट का चैनल जो है, सबसे पहले वो तो चेस्ट टू हैंड आता है और इसमें टोटल 9 पॉइंट्स होते हैं। तो हम लोग हार्ट के पॉइंट नंबर 4 के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसे रिवर पॉइंट और मेटल पॉइंट भी बोलते हैं। जैसा मैंने पहले ही बता दिया है कि हार्ट और सभी चैनल्स में टोटल 5 एलिमेंट्स के पॉइंट भी होते हैं। तो यहाँ पर हार्ट का जो चैनल है उसमें 5 पॉइंट्स होते हैं, वुड के लिए फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। उसके ऊपर में उसके चाइनीज़ नेम दिए हुए हैं, वुड के लिए जिन, फायर के लिए इंग, अर्थ के लिए शू, मेटल के लिए जिंग और वाटर के लिए ही। ये नेम इन चैनल के लिए हैं, यांग चैनल के लिए यही नेम दूसरे होंगे। वो मैं आने वाली वीडियोज़ में जब यांग चैनल के बारे में पढ़ाऊँगा तब बता दूंगा। अभी हार्ट चैनल में जिंग पॉइंट पर पॉइंट नंबर 9 को बोला जाता है वुड पॉइंट, 8 को फायर पॉइंट, 7 को अर्थ पॉइंट, 4 को मेटल पॉइंट और 3 को वाटर पॉइंट। हार्ट जो है वो खुद एक फायर का करस्पॉन्डेंस है, इसलिए 8 वाले पर येलो कलर किया हुआ है। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स के चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम समझते हैं कि पॉइंट नंबर 4 करते क्या क्या है। पहले तो ये हमारे दिमाग को शांत करता है। जैसे अगर हम कोई चीज़ को लेकर दुखी हैं, डर में हैं, चिंता में हैं और हमारा दिमाग रेस्टलेसनेस की तरफ है, तो ये इन सब चीज़ों में हार्ट का पॉइंट नंबर 4 हमें मदद करता है। अगर हमें उबाकी आ रहा है, मतलब वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, या फिर हमारी आँखें फूल गई हैं और लाल हो गई हैं, तो भी हमें पॉइंट नंबर 4 बहुत मदद करता है। अगर किसी इंसान को न्यूरेलिजिया की बीमारी है फोर आर्म में, न्यूरेलिजिया क्या होता है कि अगर हमारे हैंड के नर्व्स में कुछ डैमेज हो या इरिटेशन हो, जिसकी वजह से वहाँ से कंट्रोल धीरे जाने लग जाए और हमें बहुत पेन हो रहा हो, ठीक है, तो इसमें हम पॉइंट नंबर 4 लगाते हैं, HE पॉइंट नंबर 4। तो ये HE4 का फंक्शंस था। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।